हे गाइस, देखो सुप्रीम कोर्ट से एक खबर और एक कंपनी की किस्मत बदल सकती है सर। लेकिन अब ये सरकारी काम है सर, बोलना बहुत मुश्किल है क्या होगा नहीं होगा किस तरीके से होगा। जैसे अगर आप लोग देखेंगे यूनिटेच लिमिटेड, ठीक है, दिखने को मिला सर 9.97 रुपये, मतलब 9 या 10 रुपये मान लीजिए, 9 to 10 rupees मान लीजिए आप, ठीक है। अभी लगे देखेंगे पिछले एक महीने से सर ये अप एंड डाउन कर रहा है सर। पिछले एक साल से सर लगभग इसने 300% तक का रिटर्न निकाल के दे रखा है सर। पिछले 5 साल की हालत देखते हैं तो सर पिछले 5 सालों में तो सर इस कंपनी ने 2000% तक का रिटर्न निकाल के दे रखा है। हालांकि दिया तो सर उससे ज़्यादा ही था, ऑलमोस्ट 3900, मतलब ऑलमोस्ट 4000% तक का रिटर्न निकाल के दे रखा था सर। और सर अगर देखोगे तो ये स्टॉक बहुत ऊपर से गिरा हुआ है, अराउंड 550 या 600 के लेवल से गिरा हुआ है। पहले तो सर आप ये जान लीजिए कि आखिर गिरा क्यों हुआ है सर। देखो इस कंपनी का काम ऐसे देखो, प्रॉपर्टी बनाना सर, कंपनी ने बिल्डिंग बना दिए, आधा काम हो गया, लैंड ले लिया सर इन्होंने पूरी तरीके से, ऑलमोस्ट आप समझो कंप्लीट हो ही गया। तो अब उसके बाद क्या सर, मूवी देखते हो ना सर, पिक्चर देखते हो ना, जब पिक्चर देखते हैं तो क्या होता है सर, सारा काम हो जाता है, लैंड खरीद लिया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब कुछ हो गया, उसके बाद गुंडे लोग आते हैं, फिर बोलते हैं विलन लोग आते हैं, विलन आने के बाद बोलते हैं एक खोखा दो, ये दो, वो दो, है कि नहीं घर पहुंचा देना, नहीं तो तेरे बिल्डिंग एरिया नहीं दूंगा, ये कर दूंगा, वो, मतलब बहुत, मतलब वो देखते हो ना विलन टाइप का जो होता है सर, उसी टाइप का हुआ सर इस कंपनी के साथ। क्या हुआ कि जब इस कंपनी ने सारा पैसा लगा दिया, सारा कुंजी सब कुछ लगा दिया सर, टोटल इन्वेस्टमेंट लगा दिया सारे बिल्डिंग में सर, बिल्डिंग बना दी है कंपनी ने, अब क्या हुआ कि कुछ कंपनी के ऊपर सर लीगल केसेस हो गए सर, लीगल तरीके से केस कर दिया गया सर कंपनी के ऊपर। आप देखो क्या सही है क्या गलत है ये तो मैं नहीं बोल सकता सर, बिल्कुल नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि सर कोर्ट है वो डिसाइड करेगा, सरकार डिसाइड करेगी, मैं कैसे डिसाइड कर दूँ। लेकिन अगर ये जजमेंट इस कंपनी के फेवर में आता है, तो सर ये कंपनी फिर कहाँ जाएगी? ये तो सर फिर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोल सकता, सर समझिए हुआ क्या कि सर इनकी जो पूरी प्रॉपर्टी है ना सर, इनकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया है सर, सरकार के तरफ से जो है सरकारी मतलब मोहर लगा दिया गया है, सरकार ने उसको रख लिया है सर। क्यों? क्योंकि सर एक पार्टी बोल रहा है मेरा है, एक पार्टी बोल रहा है मेरा है, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है सर। अब दोनों तरफ से प्रॉब्लम चल रहा है तो भाई ये प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र किया जाए? जब तक पूरी तरीके से केस ठीक ठाक ना हो जाए तब तक प्रॉपर्टी नहीं दिया जाएगा। तो सीबीआई के अंडर में सर इन्होंने, सरकार ने इसको जब्त कर रखा। अब जिनके फेवर में केस जाएगा सरकार उनको दे देंगे। अब क्या हुआ कि देखिए ये कंपनी है सर, कंपनी का प्रॉपर्टी, अब ये वो लोग हैं सर जिन्होंने केस कर रखा है सर, अब ये मान लीजिए सर ये उनकी प्रॉपर्टी है, तो ये उनकी प्रॉपर्टी है तो भाई इनको ट्रांसफ़र करें या इनको ट्रांसफ़र करें? सरकार ने बोला कि दोनों को ट्रांसफ़र मत करो, मुझे ट्रांसफ़र कर दो सरकारी खाते में, भाई इसको ट्रांसफ़र कर दो, चलो नीचे आओ, सरकारी खाते में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया सर इसको। अब सर ये कंपनी की वैल्यू सर पहले मान लीजिए सर कितनी थी, 600 रुपये। अब जब इसकी बिल्डिंग नहीं रही तो सर इसका वैल्यू तो पूरी तरीके से गिर गया, तो 600 रुपये सर हो गया होगा इनका वैल्यू, हो गया ज़ीरो, इनका वैल्यू हो गया ज़ीरो। अब जिस दिन सर ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि फिर इनको लौटा देना है, तो इनका वैल्यू ऑटोमेटिक फिर से हो जाएगा सर 600। तब कंपनी का स्टॉक भागता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रॉब्लम है सर कंपनी के ऊपर, अभी केस के ऊपर केस, और केस तो आपको पता ही सर तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख होता रहता है। और वही चीज़ सर यहाँ पर बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इनके तरफ से सर परमिट दिया जा रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भाई इस कंपनी को बोला कि भाई देखो, बोर्ड टू सीक पुलिस असिस्टेंस सर, ठीक है, डील विथ जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उनके लिए सर। तो जो भी डिस्टर्बेंस हो रहा है आपको ग्राउंड लेवल में, जब ये बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या उसको पूरी तरीके से फिनिश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सर इनको डिस्टर्बेंस देखने को मिला, मतलब जो जितने लोगों ने केस कर रखा है वो भाई आगे कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करने दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने तो सर फ्लैट घर बुक कर रखा है, उन बेचारों को भी नहीं मिल पा रहा। सोचिए उनके लिए तो सर बहुत गलत हुआ, कंपनी की गलती है या किन या सामने वाली पार्टी की गलती है वो तो ये लोग समझेंगे ना, लेकिन सर जिन्होंने घर बुक किया है उनको भी नहीं मिल पा रहा। देखो ऐसे कि ऐसे ही सर पूरी बिल्डिंग यहाँ से यहाँ, ये तो आपको सर डेमो दिखाया जा रहा है सर, एक थोड़ा सा डेमो दिखाया जा रहा है सर, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन है सर, बहुत ज़्यादा पैसा फंसा हुआ सर, और सबसे बड़ी बात सारा पैसा सर इनका वाइट का फंसा हुआ है। ये प्रॉब्लम हो जाती है सर बड़ी कंपनी में सर यहाँ पर। वही चीज़ यहाँ पर उनको बोला जा रहा है, मैनेज द थर्ड पार्टी डिस्टर्बेंस सर, पुलिस का मदद लेना है, थर्ड पार्टी जो भी डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिल रहा है सर। और कोर्ट ने ये भी बोला है, द कोर्ट यहाँ देख सकते हो प्रीवियसली इन्होंने बोला है अलाउ किया सर, पूरी तरीके से इन्होंने किया है अलाउड कर दिया गया है द बोर्ड टू कंट्रोल द कंपनी एंड द कंप्लीट पेंडिंग प्रोजेक्ट फॉर होम बायर सर। तो जितने लोगों ने सर ये घर खरीद रखे हैं वो बेचारे तो अभी फंसे पड़े हैं ना, उनको तो बोला क्या होगा कि सर आपको एक मतलब जो भी है 6 महीने के बाद आपको घर मिल जाएगा, 1 साल के बाद आपको घर मिल जाएगा, घर तो नहीं मिला सर। हाँ, पैसा तो उनका सर यहाँ पर फंस गया है सर, पैसा तो उनका यहाँ फंस गया है, और कहीं ना कहीं सर वो रेंट पे रहते होंगे सर वो लोग,
कहीं ना कहीं वो रेंट पे तो अभी रह रहे होंगे ना सर। अब बेचारे सोचिए वो लोग वहाँ पर रेंट पे रह रहे हैं, वो पैसा एक्स्ट्रा जा रहा है सर, इनका घर जो यहाँ पर पड़ा हुआ है ये डिप्रिशिएट होता हुआ जा रहा है। क्यों? क्योंकि सर प्रॉपर्टी है ना, बिल्डिंग है ना, ये डिप्रिशिएट होता है सर, ये फिक्स असेट है, समझ में आती है, असेट है, फिक्स असेट है सर, ठीक है, करेंट असेट नहीं, फिक्स असेट है, लेकिन सर डिप्रिशिएट हो रहा है ना सर, ये भी दिक्कत हो गया सर। यहाँ पर एक सबसे बड़ी टेंशन वाली बात हो गई, जो सर इनको 99 ईयर का लीज दिया जाता है सर, 5 साल तो केस इनको इधर ही पड़ गया सर, हाँ 5 साल तो इनको केस इधर ही पड़ गया सर। अब 5 साल केस हो गया, उसके बाद से देखो तो बिल्डिंग में पूरी तरीके से अच्छे से लगभग जो प्रोटेक्शन के लिए सीमेंट पेंट नहीं मारा गया है, तो सर ये लगभग और ज़्यादा डिप्रिशिएट होगा सर, और ज़्यादा डिप्रिशिएट हो जाएगा, तो ये टेंशन वाली बात हो जाएगी सर, होम बायर्स के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ की बात है। एक आईएएस ऑफिसर को वहाँ पर असाइन किया गया है जो है रिटायर है। अब देखिए ये मामला क्या होता है, लेकिन अगर ये फेवर मान लीजिए कि आता है इनके अंदर से, तो इस कंपनी के लिए सर एक मान लीजिए कि अपॉर्चुनिटी हो जाएगा सर, इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। फिर वही चीज़ यहाँ पर कोर्ट की तरफ से बार बार बोला जा रहा है भाई यहाँ पर, कि जो होम बायर हैं उनके इंटरेस्ट पर घर बनाने तो भाई उनको दे के हटा दो, क्योंकि उनको फालतू नुकसान हो रहा है, यहाँ पर उनको फंसा दिया गया है। अब इसीलिए सर इस कंपनी को ऑडिट करवाया गया, कोर्ट की तरफ से ऑडिट करवाया गया पूरी तरीके से। ऑडिट करवाने के बाद जो इनकी सब्सिडरी कंपनी थी उनको भी सर पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से ऑडिट करवाया गया। क्यों? कहाँ पैसा आया, कितना गया, किसने दिया है भाई, ठीक है, वो सारी चीज़ें कंपनी बोलती है। यहाँ देख सकते हो कंपनी जो बोल रही है कि रिसीव्ड अराउंड 14,217 करोड़। अब भाई 14,270 करोड़ तो कंपनी ने रिसीव किया, 29,800 करोड़ जो 29,800 करोड़ इनको रिसीव करना था वहाँ से इनको मिला है सर 14,000। मान लीजिए कि सर 50% पैसा इनको मिल गया। अब 100 लोग बोल रहे हैं सर मैंने कंपनी को पैसा दिया। अब भाई देखना होगा ना किसने दिया, नहीं दिया, किस तरीके से दिया, देखना होगा ना। वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ देख सकते हो होम बायर मोस्टली बिटवीन द 2006 एंड द 2014 अराउंड 1,805 करोड़ वाला, यहाँ देख सकते हो 6 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट के लिए कितने लोगों ने पैसा दिया है, किनको वापस कर सकते हैं, किनको सच में जो वहाँ पर होम बायर हैं उनको सच में उनको अलॉट करना है वहाँ पर घर। वही चीज़ फिर यहाँ पर पता लगाया गया जब ऑडिट हुआ, तो मैंने आपको बोला ना ऑडिट किया गया, ऑडिट हुआ तो बताया गया कि 5,063 करोड़ सर होम बायर मनी, एंड यहाँ देख सकते हो अराउंड 763 करोड़ फंड रिसीव फ्रॉम द, यहाँ देख सकते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर, होम बायर से इतना पैसा आया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इतना पैसा आया जो कि यूटिलाइज नहीं किया गया है कंपनी के तरफ से सर। अब ये एक दिक्कत वाली बात हो गई भाई, क्यों नहीं यूटिलाइज़ किया इस पैसे को, क्यों फालतू रखा गया है भाई। तो यहाँ पर पाया गया कि टॉप कोर्ट ऑर्डर, यहाँ देख सकते हो, तो यहाँ पर पाया गया सर, यहाँ देख सकते हो ओमिशन एंड कमीशन जो बताया जाता है सर, तो ये काइंड ऑफ मिस्टेक होता है, एरर होता है, दो टाइम कर दिया या भूल गए लिखना वहाँ पर करके, इस टाइप की चीज़ें होती है सर, तो इसके ऊपर भी ध्यान दिया गया। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें देखने को मिल रही है सर, देख सकते हो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक्ट, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो देखने को मिल रही है कंपनी के ऊपर है। कोर्ट में चले जाने के बाद सर मामला बहुत टेढ़ा पेढ़ा हो जाता है सर, अब इसमें बहुत टाइम लग रहा है। तो ऑलरेडी सर कंपनी बहुत लंबे समय से फंसी हुई है, मुझे लगता है 2-3 साल में कंपनी क्लियर हो सकती है, 2-3 साल में अगर ऐसे क्लियर हो जाती है तो सर बहुत अच्छी खबर भी आ सकती है सडन कभी भी सर। और नहीं तो सर कंपनी का शेयर तो ऐसे भी 9 रुपये में है, आप कहाँ जाएगा सर, आप कहाँ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का प्राइस गिरा यहाँ से तो 2-3 रुपये तक जाएगा, लेकिन चला तो बहुत ऊपर जा सकता है सर। तो यही चीज़ देखना होगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आपका डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री है सर। तो सर एंजल ने IPL के साथ भी पार्टनरशिप कर लिया जो कि बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाके अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में सर।